सीमा और सचिन की लव स्टोरी में डेली एक नया मोड़ सामने आ रहा है। सीमा को कोई आईएसआईएस का जासूस बता रहा है तो कोई सीमा को सच्चा प्रेमी जो अपने प्यार को पाने के लिए पाकिस्तान को छोड़कर इंडिया में आ गई। सीमा के इंडिया में आते ही सीमा की लव स्टोरी इंटरनेशनली बन गई है। सीमा के भारत में पहुंचने के बाद तमाम मीडिया न्यूज़ रिपोर्टरों के द्वारा इसे कवर किया जा रहा है, यहाँ तक कि इंटरनेशनल मीडिया न्यूज़ रिपोर्टर के द्वारा भी इसे कवर किया जा रहा है। सीमा जब से सचिन के घर आई है तब से सचिन के घर वालों की मुसीबतें और बढ़ गई हैं। हालांकि सचिन के माता पिता ने सीमा को स्वीकार कर लिया है उनके बच्चों के साथ। सचिन के माता पिता का कहना है कि हम सीमा से और उनके बच्चों के साथ बहुत खुश हैं, लेकिन वो मीडिया न्यूज़ रिपोर्टरों से नाराज़ हैं क्योंकि डेली मीडिया न्यूज़ रिपोर्टर उनके घर सीमा और सचिन के प्यार को कवर करने आ रही है और लाखों की भीड़ पाकिस्तानी सीमा को देखने आ रही है, जिसकी वजह से सचिन के पिता ने 4 दिनों से खाना भी नहीं खाया। और सचिन के पिता का कहना है कि सीमा के 2 बच्चों की तबीयत भी बहुत ख़राब हो गई थी। जो और पास के गाँव हैं वो सारे खुश हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, मगर मीडिया वाले जो ज़्यादा आतंक कर रखा है, ज़्यादा परेशान कर रखे हैं और ना ही तो रोटी खाने को मिल रही है, और परसों हैजा हो गया मुझे भी, और ये जो बहू बेटा है इनको हालत इतनी खस्ता चल रही है, रात 2 बजे डॉक्टर बुलाया है दवाई। सीमा और सचिन की लव स्टोरी को लेकर पाकिस्तान में कुछ अलग ही चल रहा है। पाकिस्तान में सीमा के एक दोस्त से जब पूछा गया तो सीमा के दोस्त ने बताया कि सीमा क्रिकेट की बहुत बड़ी फैन है और इस बार वर्ल्ड कप इंडिया में आयोजित किया जा रहा है तो सीमा इस बार क्रिकेट वर्ल्ड कप देखने के लिए भारत गई है। सीमा के दोस्त का दावा है कि सीमा क्रिकेट की बहुत बड़ी फैन है। सीमा इस साल होने वाले क्रिकेट वर्ल्ड कप को देखना चाहती है। क्रिकेट वर्ल्ड कप इसी साल भारत में आयोजित होगा। क्रिकेट वर्ल्ड कप देखने के लिए ही सीमा भारत आई है। तो वहीं सीमा को लेकर पाकिस्तान से मुंबई पुलिस को धमकी भरे कॉल भी आते रहते हैं। आपको बता दें इसी बीच 12 जुलाई को मुंबई के ट्रैफिक कंट्रोल रूम को एक धमकी भरा कॉल आया। कॉलर ने उर्दू भाषा में धमकाते हुए कहा कि अगर सीमा वापस नहीं आई तो भारत का नाश होगा और भारत 26/11 जैसे आतंकी हमलों के लिए तैयार रहे और इसके पीछे उत्तर प्रदेश सरकार की जवाबदेही होगी। जानकारी के मुताबिक ये कॉल 12 जुलाई को मुंबई पुलिस के कंट्रोल रूम को आया था, जिसके बाद आगे इस मामले की जाँच हो रही है। आपको बता दें कि सीमा पाकिस्तान के सिंध प्रांत की रहने वाली है और दस्तावेजों के मुताबिक उनकी शादी 2014 में पाकिस्तान के एक निवासी गुलाम हैदर से उनकी शादी हुई थी, जिससे उनको 4 बच्चे भी हैं, जिनमें 3 लड़की और 1 लड़का भी है। सीमा के शौहर गुलाम हैदर 2019 में कामकाज के सिलसिले के लिए सऊदी चले गए और इसी बीच 2020 में सीमा के पबजी गेम के जरिए इंडिया के सचिन से मुलाकात हुई, जिसके बाद वो दोनों नियमित रूप से बात करने लगे और उनका प्यार बढ़ता गया। फिर उसके बाद सीमा ने सचिन से शादी करने का फैसला किया और सीमा नेपाल के रास्ते होते हुए इंडिया में आ गई। सीमा और सचिन के प्यार की कहानी अंतर्राष्ट्रीय न्यूज में छाया हुआ है तो वहीं पाकिस्तान इसमें मिलन की भूमिका निभा रहा है। सीमा और सचिन के प्यार के बारे में आप क्या सोचते हैं, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।